छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेता समीरा पैकरा ने एक बार फिर अमित जोगी के जाति प्रमाण पत्र को तत्काल रद्द किए जाने की मांग की है। समीरा पैकरा ने इस बारे में छत्तीसगढ़ से आदिम जाति कल्याण विभाग के सचिव और गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और अमित जोगी को जारी जाति प्रमाण पत्र रद्द करने की मांग मरवाही उपचुनाव के ठीक पहले कर दी है। समीरा ने इसके लिए अपने ज्ञापन में तर्क दिया है कि उनकी चुनाव याचिका जिसमें अमित जोगी के पक्ष में आदेश आया था, जिसमें अमित जोगी को केवल गवाहों की कथन और संदेह का लाभ मिला है, जबकि उनको जाति प्रमाण पत्र नियमों के विपरीत जारी किया गया है। इनका जो अमित जोगी का प्रमाण पत्र है उसको तत्काल निरस्त किया जाए, क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से जानकारी देकर के प्रमाण पत्र हासिल किया है। और जोगी जी का जो लंबित प्रकरण है, हाईकोर्ट कमेटी की जो रिपोर्ट है, उसको तत्काल हाईकोर्ट से उसका हम निराकरण चाहते हैं, उसका आदेश चाहते हैं कि वो इसमें फैसला दें। इनके जाति से संबंधित जितने भी दस्तावेज हैं हाईकोर्ट में प्रस्तुत हैं, हाईकोर्ट कमेटी में प्रस्तुत हैं। और जो अमित जोगी के जो एक महीने तक जेल में थे, उनके दस्तावेज के साथ में मैंने हाईकोर्ट कमेटी में कलेक्टर साहब को आवेदन दिया है।